हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपिन ट्यूटोरियल्स। सो टाइपर हैदराबाद 2020 का वन का रिजल्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑफिशियल पे चेक किया तो अनाउंस हो चुका है। बेसिकली पीएचडी के स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था उनका रिजल्ट आ चुका है, और जिन्होंने एमएससी प्लस पीएचडी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको प्रोसीजर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे देखना है आपको। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसका टाइपर में सिलेक्शन हो गया था, उसने इंटरव्यू दिया था, बट आज थोड़ा सा वो बिजी चल रहा था तो उसने मेरे को अपना बता दिया कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं आपको एग्जैक्ट वही बता देता हूँ कि कैसा था। और किसी को कुछ भी पूछना होगा तो वो क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले देखो, ये टाइपर का आप क्या कर लोगे, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, आप खोल लोगे। उसके बाद क्या, उससे पहले एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ये दिखा देता हूँ, ये देखो। हाँ, जब आपका टाइफर का ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो आप क्या यहाँ देखोगे, लिख के आएगा क्या, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री इंटरव्यू थ्रू जीएस 2021 टाइफर इंटरेस्ट में जो हुआ था उसका क्या हो चुका है, शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, देखोगे ये देखो आप, शॉर्टलिस्टेड क्या है, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री इंटरव्यू थ्रू जीएस, मतलब कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अब इंटरव्यू पे पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो पीएचडी वालों के लिए है कि ये नाम आया है, और इंटीग्रेटेड के लिए आप नीचे चेक करोगे तो इंटीग्रेटेड के लिए, और मैं आपको बता देता हूँ 65 इंटीग्रेटेड पीएचडी, मतलब जिनको एमएससी प्लस पीएचडी करना है 65 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब देखते हैं कि इंटरव्यू जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा उसी हिसाब से वो उनको क्या करेंगे, उनको लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, आपने देखा होगा पहले भी शायद, तो यहाँ पे अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो आपको क्या है कि आप जैसे ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने लगेगा 31,000 का, और साथ ही साथ क्या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वाले को कितना, 21,000 का मिलेगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर से उनको 31,000 का क्या मिलने लगेगा, स्टाइपेंड मिलने लगेगा। अभी आज आपने देखा होगा कि जैम का भी रिजल्ट आज, जैम का भी काउंसलिंग आज स्टार्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का टाइपर भी हुआ होगा जिनका, और जो इनका जैम भी, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या है, स्टाइपेंड वगैरह भी मिलेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसा कुछ जैम के थ्रू अगर आप एमएससी करने जाते हो तो वहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप जो भी हो सोच सकते हो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि आपको 21,000 सोचो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मिलेगा, वो भी पर मंथ की बात है, ठीक है। और 31,000 जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो 31,000 आपको स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, और टाइपर में अगर आप पहुंच जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कुछ इंटरव्यू रिलेटेड आपको टिप्स बताता हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने नहीं दिया था टाइपर का पेपर, ये मेरा फ्रेंड है जिसने क्या दिया था, टाइपर का पेपर दिया था, उसका हो गया था, उसने अपना इंटरव्यू रिलेटेड मुझसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया था। सबसे पहली बात उसने मुझे ये बोला कि अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले एक चीज प्रिपेयर करके जाना, क्या प्रिपेयर करके जाना, अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही यूनिक टाइप का होना चाहिए, किसी का आप सुन के डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलोगे। अगर वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आपको अपना जो भी हो वो पहले से प्रिपेयर कर लेना, 10 बार प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे आपको बोलना है ताकि वहां पे खराब ना हो चीजें, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ, देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेनली, उससे जो पूछा गया था कि आपका मेनली कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसने बोला सर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी पैनल्स बैठे थे वहां पे उन्होंने उससे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। वहां पे वो बेसिकली उसने बोला कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे थे, तो मैं उनको ये बोल रहा था कि सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैं, लेकिन इसको जरूर के देखूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसने अप्रोच देख रहे थे कि क्वेश्चन जब वो पूछ रहे थे तो क्या स्टूडेंट डायरेक्टली घबरा तो नहीं जा रहा था, डर तो नहीं रहा था। उसने मुझे यही बताया कि वहां पे वो मुझे ये चेक कर रहे थे कि मैं डर तो नहीं रहा हूं, और बिना डरे हुए क्या मैं क्वेश्चन का आंसर भले ही एकदम एग्जैक्ट राइट ना दे पाऊं, लेकिन वो चाहते थे कि वो देखना चाहते थे कि आपका अप्रोच कैसा है। मतलब सपोज कोई भी ऑर्गेनिक की आपसे रिएक्शन पूछ ली तो आपने बोल दिया, जैसे उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, एक स्टेप में बताना है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताना है, तो आपको तुरंत माइंड में, क्योंकि आप भी क्या है कि आपने जाम के लिए पढ़ा ही था, तो चीजें वही पूछी जाएंगी, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा, बट वो देखना ये चाहेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो अपने आप को लेके, आपने
आपने जो सीखा है, क्या उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, तो आपका अप्रोच है। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे सर एल्डिहाइड है, उसको हम पहले रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में, अल्कोहल में रिड्यूस करने के बाद एल्कोहलिक केमनोफोर डालेंगे, कुछ कहेंगे डायरेक्टली ये डाल देंगे तो ये बन जाएगा, मतलब इस तरीके से, मतलब एक सेपरेट कोई भी और एग्जाम्पल लेके देख लो, फिजिकल का कुछ भी लेके देख लो, तो वो आपसे क्या जानना चाहते हैं कि आप किस हिसाब से सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या, वो मैटर करेगी। फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि फिजिकल का क्या, सबसे पहले उसने बोला कि मतलब उसका फिजिकल पोर्शन है स्ट्रांग था, तो उसने बोला कि फिजिकल का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उससे पूछा गया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो पैनल्स बैठे थे, जो कई सारे प्रोफेसर बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने फिजिकल के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, कई सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें से उसको बहुत सारे नहीं भी आ रहे थे, तो वो ठीक है आपको अगर, क्योंकि सब प्रोफेसर को पता है एक स्टूडेंट को सब कुछ नहीं आ सकता, तो कुछ नहीं आ, लेकिन अगर आपने स्ट्रांग बोला है कि आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है तो मेनली इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे उसने बोला फिजिकल मेरा ज्यादा सर, मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आपका रिसर्च किस फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप टाइफर में इंटीग्रेटेड में ले रहे हो तो बेसिकली आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब आपने बोल दिया फिजिकल और उसके बाद आपसे पूछने लगे तो आप फिजिकल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जवाब दे पा रहे, तो फिर बैड इंप्रेशन जाता है। तो पहला वही बोलना जो आपको अच्छे से आता है, और बिल्कुल ये मत सोचना कि बहुत हाई लेवल का पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो आपने जैम में पढ़ा है उसी को बस अच्छे से अभी भी जितना टाइम है ना, क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वही सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उसने मुझे ये बताया कि फिजिकल के बाद उससे फिर ऑर्गेनिक का स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिक में कई नेम रिएक्शन पूछ लिए कि ये वाले नेम रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, फिर इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछने लगे, तो इस तरीके से सिलसिला उसका चलता रहा 20 ऑलमोस्ट, हाँ ऐसे कुछ उसका इतनी देर तक मतलब इंटरव्यू हुआ था। तो उसने कहा बस मुझे ये लग रहा था कि अगर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा मैटर करेगा, और आपका अप्रोच टुवर्ड्स क्वेश्चन कि आप क्या सोच रहे हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका अप्रोच क्या है कि आप कैसे उस क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हो, वो मैटर करता है। वो आपको बेसिकली वो आपका यही स्किल चेक करना चाहते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे देखो अब ऑर्गेनिक में है तो ऑर्गेनिक में वो पूछ लिया कि भाई ये निम्न रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है जो याद कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उनको याद करने वाले स्टूडेंट तो चाहिए नहीं, वो चाहते हैं कि वो रिसर्च फील्ड में, अगर आप जा रहे हो रिसर्च फील्ड में पैर रख रहे हो तो आपका एकदम बहुत आपका मेंटल जो थिंकिंग है, एबिलिटी क्वेश्चन को लेके, केमिस्ट्री को लेके, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब कि आपको एक चीज दिखनी चाहिए बस हो गया, तो वो आपका वो सब स्किल चेक करते हैं। तो इंटरव्यू में उसने मुझसे सिर्फ यही बोला है कि आपने जो भी पढ़ा है उसी को अभी भी अच्छे से रिवाइज करते रहो, उसी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, आप अपना इंट्रो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो, और ट्राई करो अभी भी अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई टीचर ऐसा हो तो उससे बोलो कि सर एक बार मेरा कुछ इंटरव्यू टाइप का ले लीजिए, आप तीन चार अपने दोस्तों से बोलो कि यार मुझे क्या करो थोड़ा सा ऐसे, यार मेरा इंटरव्यू होने वाला है तो मुझसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलो, अगर आप वहां पे ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा ये, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ये देख लो, आपका इंटरव्यू कब होगा, 31 मई से 4 जून के बीच में होने वाला है, 31 मई से 4 जून के बीच में होने वाला है, ठीक है, शायद मे बी हाँ ये तो ऑफ कंफर्म ही रहेगा, ठीक है, 31 मई से 4 जून इन्होंने दिया तो इंटरव्यू इधर होगा, ठीक है, और किसी को आई थिंक इतना सफिशिएंट है, डरना नहीं है अभी आपको, बस आपको जो मैंने बताया है, जो एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड ने शेयर किया है मुझसे, मैंने एग्जैक्टली वही बताया आपको, किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, विवेक हम हमेशा साथ रहेंगे, आपकी जो भी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। एक और बात है कि अगर आपने चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यार हमारी भी रीच थोड़ी सी इंक्रीज होती रहे। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।